मुझे मेरे एक फ्रेंड की कॉल आई और उसने मेरे साथ एक आइडिया पिच किया। ही सेड कि वो एक वीडियो बना रहे हैं मियाँ चनू के फास्ट फूड के ऊपर, जो पूरे मियाँ चनू के फास्ट फूड को कवर करेगी। सो क्या आप कोलेब्रेशन करेंगे? मैंने कहा वाई नॉट, भाई का तो धंधा है, गरीबों का राना हमजा सैफ तैयार है। सो अभी आप आगे देखेंगे वीडियो में। हेलो जी। सो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी चेंज। नॉर्मली मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, लेकिन आज की वीडियो होगी फूड रिलेटेड। मतलब आप इसको व्लॉग / फूड रिव्यू कह सकते हैं। और आज के इस मिशन में मेरे साथ हैं दो मजीद लोग। एक हैं डॉक्टर जिशान। नहीं, वो वाले नहीं, डॉक्टर जिशान आल्सो नोन एज डॉक्टर जी। और दूसरे हैं शाहिद सिकंदर। शाहिद सिकंदर को आपने मेरी इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वाले व्लॉग में भी देखा होगा। तो ये आइडिया मेरे साथ पिच किया था शाहिद सिकंदर ने, और इस आइडिया का कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझा देता हूँ। हमने करना ये है कि सबसे पहले हम जाएंगे रेस्टोरेंट्स पर और उनसे पूछेंगे कि उनकी कौन सी प्रोडक्ट या डिश ऐसी है जिसमें उनकी स्पेशलिटी है, बताएंगे सबसे स्पेशल प्रोडक्ट आपकी जो है। फिर वो मंगवाएंगे और टेस्ट करके आपको देंगे उसका ऑनेस्ट रिव्यू। अपना ऑनेस्ट रिव्यू इनके बारे में देता हूँ। और वीडियो के एंड पे हम आपको बताएंगे कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हमने कवर किया उसमें से हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ पर रहा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। पहली लोकेशन जो हमने चूज़ की वो थी ग्रिल एंड चिल। हाँ भैया, सो इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी पहली लोकेशन चिल ग्रिल पर, और यहाँ पर अभी सीन तैयार हो रहे हैं। तो अभी आपको 120 FPS चेक करवाते हैं। ग्रिल पे इस वक्त ना आप ये बताएं कि सबसे स्पेशल प्रोडक्ट आपकी जो है, आपकी इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है जो प्रोडक्ट, वो बताएं। सर जी, हमारे पास जो है ग्रिल है जो सबसे स्पेशलिस्ट है, क्योंकि मियाँ चनू में हम किसी के पास ग्रिल नहीं है, खुसूसी ग्रिल ओनली हमारे पास है, हमने लॉन्च किया ग्रिल मियाँ चनू में। ठीक है, स्पेशलिस्ट में हमारे पास बर्गर हैं, सैंडविचेज हैं, पराठा रैप है, शवारमा है, ग्रिल है सब, और इसके अलावा ग्रिल फिश है जो मियाँ चनू में एक अच्छा मयार लेकर आए हैं हम ग्रिल फिश का, और अच्छा टेस्ट आया। तो लेकिन जो हमारे बर्गर्स हैं वो इस वक्त ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, और उनका फीडबैक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं ग्रिल बर्गर को हमारे। सो अभी हमने भाई उनसे पूछा कि उनके कौन कौन से प्रोडक्ट स्पेशल हैं। सो उन्होंने कहा कि बर्गर्स और स्टेक्स में हमारी स्पेशलिटी है। सो अभी हमने ऑर्डर किया है ब्लैक बीस्ट बर्गर, और उसके लिए बाहर स्टेक तैयार हो रहे हैं। सो अभी हम आपको चेक करवाते हैं। सो ये इस वक्त स्टेक तैयार हो रहे हैं जो ब्लैक बीस्ट बर्गर के अंदर जाएंगे, और इसके आप शशके तो चेक कर ही रहे हैं। सो फाइनली हमारे बर्गर्स आर हेयर, अभी हम टेस्ट करेंगे और फिर मैं आपको दूंगा अपना ऑनेस्ट रिव्यू। हाँ भैया, सो मील हमने कर लिया है कंप्लीट, बर्गर्स बॉम थे, और मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू इनके बारे में देता हूँ। और वो ये है कि अगर आप मियाँ चनू में ग्रिल्ड बर्गर या ग्रिल्ड चीज़ें खाना चाहते हैं, सो ग्रिल एंड चिल इज़ द स्पॉट। क्योंकि मैंने चनू के अंदर बहुत सी जगह से फास्ट फूड हम लोग खाते रहते हैं, फ्रेंड्स आउटिंग करते हैं, लेकिन मैंने कहीं पर ग्रिल्ड नहीं देखा। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि चनू में कोई ये इनिशिएटिव लेके आया है। सो गुड सीन्स हैं, थम्स अप फॉर द बर्गर, बहुत मज़े का था। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो ये सीन।
किया। सो ग्रिल एंड चिल से हम निकल चुके हैं और अब हम लेंगे शाहिद भाई से रिव्यू। तो शाहिद भाई बताएं क्या सीन है, कि कैसा लगा आपको? ज़बरदस्त था माशाल्लाह, टेस्ट जो है वो बेहतरीन। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट वाइज जो है ना, ये सिंगल स्टार्टअप है के पास, चन्नू के ने पहला है जो पहला। यहाँ पे ग्रिल लेके आए हैं जी, तो ग्रिल फिश भी है इनके पास, ग्रिल बर्गर्स हैं, ग्रिल शॉर्मा है, एक एक चीज़, और ये बेहतरीन चीज़, बेहतरीन, यू शुड ट्राई, हाईली रिकमेंडेड। बाकी वीडियो के एंड पे हम लहदा से आपको रिकमेंडेशन ज़रूर देंगे, हमारी बेस्ट पर कौन सी रही ये जरूर, तब तक के लिए हाईली रिकमेंडेड ये। सो ग्रिल एंड चिल से होने के बाद हमारी सेकेंड लोकेशन थी दी ओवन, और ग्रिल एंड चिल पर हमारे साथ डॉक्टर ज़ीशान नहीं थे क्योंकि वो किसी ऑपरेट में बिजी थे। सो यहाँ से होने के बाद हम पहले गए डॉक्टर ज़ीशान को पिक करने, सो वहाँ से हम गए दी ओवन। हाँ भैया, हम इस वक्त मौजूद हैं, धुंध काफ़ी है और ठंड भी काफ़ी है, हम इस वक्त डॉक्टर साहब को पिक करने आए हैं यहाँ पर। इतना सुनसान चन्नू वैसे मैंने अभी तक कभी देखा नहीं, डर लग रहा है अभी यहाँ से कोई बाइक आएगी। फोन पकड़, फोन दे, मेरा ट्राइपॉड भी साथ ही ले जाएंगे। हेलो जी, सो ग्रिल एंड चिल से होने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं दी ओवन पर। इस वक्त मियाँ चन्नू में मतलब टॉप रेस्टोरेंट्स में से जा रहा है, उसमें से एक है दी ओवन। यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ लेकिन आज हम इनकी स्पेशल जो भी चीज़ होगी वो ट्राई करेंगे। सो लेट्स गो। ओवन पर और यहाँ पर हमने इनके मेन्यू देखा है, बहुत सारी इनकी चीज़ें, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू देम कि उनकी जो स्पेशल चीज़ है वो है एक्सट्रीम पिज़्ज़ा। सो अभी हमने वो ऑर्डर किया है, अब जैसे ही वो आएगा सो हम उसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, फिर आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। हाँ भैया, तो इस वक्त हम थे दी ओवन पर, पिज़्ज़ा हमने टेस्ट कर लिया है, बहुत अच्छा था, लेकिन उसका प्रॉपर व्यू हम आपको कार में जाकर देंगे डॉक्टर साहब से और शाहिद भाई से लेके। सो ये भैया, सो जल्दी जल्दी में हम दी ओवन का रिव्यू रिकॉर्ड करना भूल गए थे, जिसके लिए हम माजद खुआ हैं, लेकिन दी ओवन पर जो हमने पिज़्ज़ा ट्राई किया था एक्सट्रीम पिज़्ज़ा, डेट वाज ऑसम। मतलब टेस्ट में तो अच्छा था ही, लेकिन ऊपर जो कबाब की टॉपिंग थी ना, मतलब बॉम। हाईली रिकमेंडेड, अगर आप दी ओवन पर जाते हैं सो ज़रूर ट्राई करें। सो दी ओवन से होने के बाद हम गए अपनी थर्ड लोकेशन पर, जो कि मेरे सिटी का मोस्ट कॉमन और काफ़ी ज़्यादा चलने वाला रेस्टोरेंट है, चीज़ियस। तो अभी हम ओवन से आए हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट अपने चीज़ियस पे। चीज़ियस चन्नू के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन है, तो यहाँ पर बहुत लोग विज़िट करते हैं, सो अब हम इसको विज़िट करेंगे और अब आपको यहाँ की डिशेज पर लेट्स गो। छोटा सा ट्विस्ट आया है, हमने हॉल यहाँ पर चेंज करे क्योंकि वहाँ पे आई थिंक कोविड की वजह से तो उसके जो एस ओ पीज़ हैं उसके लिए हम यहाँ पर। सो अभी हम हैं चीज़ियस पे, हमने इनका स्पेशल फ्राइड चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, सो अभी वो आएगा और हम आपको फिर वो टेस्ट करके बताएंगे कि क्या सीन। सो फ्राइड चिकन पिज़्ज़ा इज़ हेयर, इसके ऊपर फ्राइड चिकन की टॉपिंग है, तो देखने में तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, बाकी हम आपको टेस्ट करके रिव्यू करेंगे। तो अभी हम चीज़ियस से खाना खा के निकले हैं और अब हम रिव्यू लेंगे पहले डॉक्टर जी से और फिर शाहिद भाई से। डॉक्टर साहब बताएं कैसा लगा? जी, इनका पिज़्ज़ा भी बहुत कमाल था और स्पेशली जो इनकी सर्विस थी बहुत क्विक थी, और सबसे मेन बात इनके रेट्स बड़े मुनासिब हैं। चीज़ियस का सबसे जो एक बेहतरीन की चीज़ है वो इनका जो रेट्स है वो बहुत मुनासिब है, और इसलिए चन्नू की वहाँ भी यहाँ पर ज़्यादा, और यहाँ पे विज़िट करते बिल्कुल ऐसे ही है, रश भी बहुत था यहाँ पे। शाहिद भाई
जी बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूँ। चीज़स इस्लामाबाद का ब्रांड है, वहाँ के रेट्स देखें तो बहुत हाई हैं, लेकिन चीज़स एक वेल सेटल्ड ब्रांड है। इन्हें पता है कि मैं चलूँ के जो बाइंग रेट जो है वो कितनी है, उसके मुताबिक उन्होंने प्राइस रखी है। टेस्ट मस्त। नेक्स्ट देखते हैं, आपको लास्ट बताएंगे हमारी बेस्ट। और मेरा यहाँ का रिव्यू ये है कि पिज़्ज़ा बहुत कमाल था, और स्पेशली जो फ्राइड चिकन की टॉपिंग थी ना, मतलब क्रेजी, और बहुत इन्जॉय किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और इस वक्त आपको बता दें बस हो चुकी है, अब आगे बस हौसले के साथ खाना पड़ना है क्योंकि बस भी पड़ी है, हम अंदर भी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ के आए। तो ये सीन है, वजह सिर्फ ये है कि क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है, क्वान्टिटी भी बहुत। यस, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, पिज़्ज़ा मैक्स। यस, और एट दिस पॉइंट चीज़ी से होने के बाद हमारी बस हो गई थी, बहुत खा लिया था, और हमने चूज़ किया कि नेक्स्ट पॉइंट पर इस वीडियो को करते हैं एंड, और हम गए अपनी फोर्थ लोकेशन पर, पिज़्ज़ा मैक्स। हाँ भैया, चीज़ी से होने के बाद अब हम आए हैं पिज़्ज़ा मैक्स पर, अब यहाँ पर ट्राई करेंगे, और ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट स्पॉट है क्योंकि बस हो चुकी है, इससे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। लेट्स गो। हाँ भैया, सो अभी हम हैं पिज़्ज़ा मैक्स पे, और मेरी तो हालत बुरी है, मतलब मैंने तो बहुत खा लिया। अभी हम शाहिद भाई से पूछते हैं कि इनका क्या हाल है। हाँ जी शाहिद भाई, बिल्कुल बस हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे टाइम ये है। आपके लिए ट्राई ज़रूर करेंगे, बताएंगे क्या होगा। इनकी बेहतरीन प्रोडक्ट जो इन्होंने बताई है इनके फ्राइड राइस, लेट्स चेक आउट फ्राइड राइस। अभी हम हैं पिज़्ज़ा मैक्स पर, और हमने इनसे पूछा है कि इनकी स्पेशल चीज़ क्या है, तो इन्होंने बताया कि फ्राइड राइस है। सो अभी हमने ऑर्डर किए हुए हैं, अब जैसे फ्राइड राइस आएंगे तो हम वो चेक करेंगे और आपको भी उसका रिव्यू देंगे। हाँ भैया, सो इस वक्त हम पिज़्ज़ा मैक्स से निकल रहे हैं, कि मुंह पर जो स्माइल आप देख रहे हैं ना, इसकी वजह ये है कि पैसे पूरे हो गए हैं। मतलब यहाँ से हमने खाए फ्राइड राइस, है रियली एंजॉयड इट, मतलब जो मज़ा है ना वो ऑनेस्ट रिव्यू। तकनीकी खराबियों की वजह से थोड़ी सी ब्रेक आई थी, हाँ, तो ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि बेस्ट, मतलब जितने हमने आज ट्राई किए हैं फास्ट फूड वगैरह, लेकिन यार देसी देसी है। सो हमने फ्राइड राइस ट्राई किए, मियाँ चनू की जीटी रोड पर आठ टाइम इतना होता है, तो फ्राइड राइस ट्राई किए एंड बेस्ट। और बाकी आप ऑनेस्ट रिव्यू आपको देंगे, बताएंगे कि हमें सबसे बेस्ट क्या लगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो अब हम अपनी सारी लोकेशंस कंप्लीट कर चुके थे, और फाइनल रिव्यू से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि डॉक्टर जिशान और शाहिद सिकंदर मुझे ज्वाइन करने से पहले दो और जगह विजिट कर चुके थे, जिसमें से एक था टेक्सस कैफ़े और दूसरा था मिस्टर पिज़्ज़ा। टेक्सस कैफ़े तो मुझे भी पता है काफ़ी अच्छी जगह है, सो उनका फाइनल रिव्यू उस पर भी बेस्ड होगा। हाँ भैया, सो फाइनली सब जगह से होने के बाद अब हम आपको देंगे अपना फाइनल और ऑनेस्ट रिव्यू के हमें जो जो ट्राई किया उसमें से सबसे बेस्ट क्या लगा। सो सबसे पहले तो डॉक्टर जी से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब बेस्ट कौन सी चीज़ होगी। मुझे तो जो सबसे बेहतरीन लगा है वो है टेक्सस का, एक तो लावा वो केक था वो ज़बरदस्त था, चीज़ियस का जो वो पिज़्ज़ा था, और सबसे मेन ये जो मैक्स का जो फ्राइड राइस थे वो कमाल थे, उसमें बहुत कुछ मतलब ऐसी चीज़ें थी जो नई थी, मतलब जो फ्राइड राइस तो हम पहले भी खाते रहते हैं, लेकिन इसकी स्पेशल ये चीज़ थी कि एक जो इसका टेस्ट था वो बाकी से बहुत डिफरेंट। शाहिद भाई, ऑनेस्ट फाइनल कौन सी चीज़ बेस्ट लगी? सबसे पहली बात ये ऑनेस्ट भी है, कोई पेड नहीं है। सबसे अच्छी प्रोडक्ट जो थी, हर रेस्टोरेंट पे हमने उनकी बेस्ट स्पेशल चीज़ दिखाई, उसके लिहाज से सबके अच्छी थी, लेकिन जो हमें पर्सनली अच्छी लगी है टेस्ट वाइज न्यू जो है वो था चिली एंड ग्रिल का जो है स्टीक बर्गर, बेस्ट। सो अब हम गए हैं डिफरेंट जगह पर, हमने हर जगह की जो उन जो स्पेशल चीज़ थी वो ट्राई की है, और टेस्ट तो सबका ही अच्छा था, मतलब क्योंकि हमने स्पेशल चीज़ थी उनकी बेस्ट जो भी प्रोडक्ट थी वो ली है, सो बेस्ट था, लेकिन
अगर मैं ओवरऑल बताऊँ, हमने फास्ट फूड सारा ट्राई किया, फास्ट फूड ऑल गुड, लेकिन भाइयों देसी देसी है जो फ्राइड राइस थे ना, ये पिज़्ज़ा मैक्स के, ये GT रोड पर है, PSO के सामने, जो चन्नू में रहते हैं उनको पता है। सो आप यहाँ पर आकर ज़रूर ट्राई करें, मतलब बेस्ट। अभी के हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम खा सकें और ज़्यादा, लेकिन टेस्ट इतना मज़े का था कि नहीं रोक सके, हमने खाया ज़रूर है। सो मेरा जो बेस्ट है ऑप्शन वो था पिज़्ज़ा मैक्स। ये सीन है शायद भाई, एंडिंग प्लीज बन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। सो डैट वॉज माई वीडियो, होप यू लाइक इट। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम मुल्तान जाके वीडियो बनाते हो, लाहौर इस्लामाबाद जाके बनाते हो, तुम अपना सिटी नहीं व्लॉग्स में दिखाते। सो ये वीडियो मैंने अपने सिटी को प्रमोट करने के लिए बनाई है, अपने सिटी के फूड को प्रमोट करने के लिए बनाई है। ये पेड नहीं है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसके पैसे नहीं दिए किसी ने, ये इनिशिएटिव खुद उठाया गया है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ जब दोस्त प्लान बनाते हैं कि खाना खाने जाना है, तो साहिवाल चलते हैं, खाने वाले चलते हैं, मुल्तान चलो, मतलब इर्द गिर्द के जो भी सिटीज़ हैं। सो कहने का मकसद यह है कि मियाँ चन्नू में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। सो आप अपने सिटी को प्रमोट करें, मैं भी कर रहा हूँ। सो होप यू लाइक इट, एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर जिशान और शाहिद सिकंदर फॉर पिचिंग दिस आइडिया विद मी, फॉर कोलैबोरेटिंग विद मी, एंड स्पेशली फॉर द फूड, थैंक यू सो मच। सो ये न्यू टाइप ऑफ कॉन्टेंट था जो मैंने बनाया। सो अगर आप लोगों को पसंद आए, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ बनाई जाएँ, सो सपोर्ट करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दें, और अगर आप मियाँ चन्नू के हैं सो आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग।